महेश चौहान जी, महायुति को लेकर तो चलिए हम आगे हम सवाल कर ही रहे हैं, जो भी नोकझोंक हो रही है, लेकिन कम नोकझोंक तो आपकी तरफ भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइए, विधानसभा में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए अभी तो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, अभी विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग की बैठकें होगी, चर्चाएं होगी, उसमें यह साफ हो जाएगा कि किसके नेतृत्व में ये हो जाएगा। शरद पवार जी सबसे सीनियर नेता है, सबसे अनुभवी नेता है, सब लोग उन्हें मानते हैं, तो उनका जो हमें सब लोगों को जो एडवाइस मिलेगा वो सबके लिए बहुत उपयुक्त होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ये पूछ रहे थे कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। देखिए भाई भाई तो हम लोग सब लोग है ही, बड़ा भाई छोटा भाई ये बाद में देखा जाएगा। अभी एक चीज सामने रखकर हम चल रहे वो ये कि ये महाविकास आघाड़ी हमारा परिवार है। अगर बड़ा भाई छोटा भाई सीट किसको कितनी मिले ये देखना होता तो ये लोकसभा चुनाव में आप देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में और कांग्रेस को मिली थी 1। लेकिन जब सीट बंटवारा हुआ ये 2024 के इलेक्शन के लिए तभी हमारे पास 4 सीटें होने के बावजूद हम लोगों ने 10 सीटें ले ली और कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जबकि उनके पास सिर्फ एक उम्मीदवार उनका चुन के आया था। तो हमारे इसमें महाविकास आघाड़ी में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सो इसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो देखी थी जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, उसमें आप मच जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नजर आई थी। अरे अंडरस्टैंडिंग वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास 4 सीट होने के बावजूद एमएलसी में भी नजर आई, एक अंडरस्टैंडिंग नजर आई थी। कहाँ पर भाई? जब एमएलसी के लिए सीटों की घोषणा हुई, 5 सीटों के लिए उद्धव ठाकरे ने 5 सीटों के लिए नामों की घोषणा कर दी, हालांकि बाद में सुलझ गया वो मामला। देखिए उन्होंने उनका क्लैरिफिकेशन भी दिया है, उद्धव ठाकरे साहब देश के बाहर थे और यहाँ पर उनकी जो डेट थी फॉर्म सबमिट करने की वो निकल जा रही थी, इसके लिए उन्होंने कहा है। आप अगर कल के न्यूज आपने पढ़े होंगे तो उनका स्टेटमेंट है कि इसके लिए उन्होंने जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे उनको वहां पर घोषित कर दिया, लेकिन बाद में आके उन्होंने कांग्रेस के साथ, नाना पटोली जी के साथ और बाकी महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के साथ बातचीत करके उन्होंने बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पीछे ले लिए, तो ये मैटर सुलझ गया है। अब विधानसभा में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो अभी पता नहीं है, देखेंगे। देखिए पहला सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है हमारी कि महाविकास आघाड़ी के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने उम्मीदवार चुनकर आए, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी रणनीति जो रखी जाएगी उसके आधार पर कौन सा कैंडिडेट, उसकी विनेबिलिटी क्या होगी, कौन चुनकर आ सकता है। ऐसी खबरें आ रही है, छगन भुजबल उनका भी बयान सामने आया था 80-90 सीटें हमें मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने रखी है। देखिए अभी ये महायुति का मामला है, महायुति में उनको क्या चाहिए कितना चाहिए, उनके प्रवक्ता ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उनका क्या रीजन है, उन्होंने ऐसे क्यों कहा था। अभी ये बीजेपी और वो उन लोग डिसाइड करेंगे, अभी देखते हैं ना, ज्यादा तो टाइम नहीं, मेरे ख्याल से 1 महीने में सब कुछ क्लियर होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन को सिर्फ 4 महीने बचे। तो लग रहा है कि आपको आसान रहा है विधानसभा की, जो 7 लोकसभा में मिला वो 7 उतना ही जो है लोगों का प्यार विधानसभा में मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए अभी विधानसभा में तो 400 पार का नारा है नहीं, 400 पार का नारा ये लोग ये बोल रहे कि उसकी वजह से वो चुनाव हार गए। अभी 400 पार का नारा दिया किसने था, खुद प्रधानमंत्री जी ने दिया था और वो कहाँ दिया था, संसद में दिया था, और अब वो नारा गलत था ऐसे कौन बोल रहा है, तो एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जो उनके घटक दल है बीजेपी के, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था वो गलत था, उसकी वजह से हार गए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग तो हारे ही नहीं, हम लोग को तो 292-293 सीटें मिली, हम लोग तो जीते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एकनाथ शिंदे जी कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अगर 400 पार का नारा नहीं देते तो शायद हम 400 पार जाते, और ये फॉल्स नरेटिव की जो बात हो रही है मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि आप देखिए अगर ये फॉल्स नरेटिव होता ये तो फिर संविधान बदलने की बातें क्या बीजेपी की तरफ से नहीं की गई, क्या बीजेपी के उम्मीदवार जो 6 बार उम्मीदवार रह चुके हैं कर्नाटक में, अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने ये बात कही थी, कोई एरे गेरे नहीं की थी या कोई एक छोटे कार्यकर्ता ने नहीं की थी, उनके लिए उनका टिकट भी काट दिया गया, तो ये बातें हुई थी। और दूसरी बात, अगर 400 पार के नारे से सिर्फ इस नारे की वजह से वो हारते तो आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं हारे, बिहार में क्यों नहीं हारे,
बाकी के राज्यों में, जैसे कि एमपी, गुजरात में क्यों नहीं आ रहे, उत्तराखंड में क्यों नहीं आ रहे? जवाब दीजिए वहां पर ओबीसी समाज नहीं है? हालांकि शिंदे गुट से आज नहीं है मेरे साथ कोई, लेकिन जवाब दीजिए ब्रिजमोहन जी। ये जो नारा था, मैं अगर इस नारे का विश्लेषण करूं, इस नारे से सारे लोग जुड़े हुए थे। अगर हम लोग जब गठबंधन में थे और अगर हमको ऐसा लगता था कि नारा ठीक नहीं है, तो उस समय हम लोगों को कहना चाहिए था। हम लोग भी उस समय इस बात से सहमत थे कि जो आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रियता थी या लोकप्रियता जो है, उसके आधार पर हम लोग सोचते थे कि आदरणीय मोदी जी ने जो बात की है, निश्चित रूप से देश इसको स्वीकार करेगा और इस प्रकार से मतदान होगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो मुद्दा INDIA ने देश के सामने रखा, उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन शिंदे गुट तो कह रहा है, वो तो ये आशा लगा के, उम्मीद लगा के बैठा है कि 150 से 200 सीटें उनको मिले। अगर उन्हें इतनी सीटें चली जाएगी तो आपको और बीजेपी में कैसे बंटवारा होगा? पूजा जी, अभी किसी भी, हम तीनों दलों ने, किसी ने भी अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किसको कितनी सीट चाहिए। तो ये प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन के आधार पर कोई जवाब देना है। आपके नेता लोग, आपकी पार्टी के लोग ही तो कर रहे हैं ना।